आखिर संविधान को मानने वालों की हुई जीत, ईश्वर की शक्ति भी नहीं टिक पाई संविधान के सामने। प्रोफेसर रविकांत पर हमला करने वाला छात्र निष्कासित, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दलित प्रोफेसर को मिला इंसाफ। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत पर हमला करने वाले आरोपी स्टूडेंट कार्तिक पांडे को विश्वविद्यालय ने निष्कासित कर दिया। घटना के बाद प्रकरण की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर यह एक्शन लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर टीवी डिबेट के दौरान प्रोफेसर रविकांत ने टिप्पणी की थी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार त्रिपाठी ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिनांक 18 जून 2022 को लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित कला संकाय भवन के सम्मुख डॉक्टर रविकांत एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर श्री कार्तिक पांडे पुत्र श्री शिव कुमार पांडे छात्र एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत द्वारा हमला किया गया था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 जुलाई 2022 के आदेश के कुलाम शासक मंडल की जांच रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कुलाम शासक और अधिष्ठता छात्र कल्याण की सहमत दिनांक 1 अगस्त 2022 एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृत दिनांक 1 अगस्त 2022 के अनुपालन में श्री कार्तिक पांडे पुत्र श्री शिव कुमार पांडे एमए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत शैक्षिक सत्र 2021-22 निवासी मोहल्ला जयप्रभा गांधीनगर बस्ती जनपद बरती उत्तर प्रदेश को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तथा भविष्य में इन्हें विश्वविद्यालय एवं इससे संयुक्त अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथियों, निश्चित तौर पर भविष्य में शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा न मिले, इसके लिए इस प्रकार की कार्रवाई अपराधियों पर समय समय पर होना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, क्या सुझाव है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।